बात रखते हैं हाँ। कि देख जिसको तो होना चाहिए था नाज हमें, कि देख जिनको तो होना चाहिए था नाज हमें, बात तुम ऐसे कुछ दिन में भुला गए, कि देश हित तो तुम्हारा धर्म कर्म सब ही था, उसी देश को तो तुम आग में जला गए। क्या बात है, उसी देश को तो तुम आग में जला गए, कि तुमको तो चाहिए था बैठ जाते सड़कों पर, कि तुमको तो चाहिए था बैठ जाते सड़कों पर, देखा वो किसान कैसे सत्ता को हिला गए, कि तुमने तो झोंक दिया आग ही में भारत को, कि तुमने तो झोंक दिया आग ही में भारत को, अग्निवीर नाम तुम मिट्टी में मिला गए, कि अग्निवीर नाम तुम मिट्टी में मिला गए। बहुत शुक्रिया। दूसरा मत भी है इसमें जी, स्वागत। अभी कुछ सालों पहले एक मुद्दा चला चौकीदार, आपने सब आप सब शायद भूले नहीं होंगे अभी तक, तो अभी अग्निवीर आया तो काफी सारी कंपनी आ गया कि हम गार्ड रख लेंगे, तो गार्ड कम बाबा ने तो पहले ही बता दिया था कि हम चौकीदार बनाएंगे, हमने मान भी लिया था, जो आज अच्छा। सड़कों पे हैं वो कल चौकीदार बने घूम रहे थे। अच्छा, वहां से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि देश का विकास देखो चाहती थी जनता भी, कि देश का विकास देखो चाहती थी जनता भी, पप्पू भी हमारा होशियार बन बैठा था, कि हम क्या बताएं जी बात कुछ भी नहीं थी, शेर वहां देख लो सियार बन बैठा था, कि चाय की दुकान बैठे बात हुई मन की थी, कि चाय की दुकान बैठ बात हुई मन की थी, मांग के सबूत वो गद्दार बन बैठा था, कि बाबूजी चाहते थे बेटा आईएएस बने, बेटा फेसबुक पे चौकीदार बन बैठा था, कि बेटा फेसबुक पे चौकीदार बन बैठा था। तो हमने तो वो मान लिया था तभी कि चौकीदार ही बनना है। वहां से एक अब कुछ चीजें हैं जो सरकार की तरफ से भी जो मुझे पसंद नहीं आई, कि जो कुछ नियम जो प्रावधान है वहां से एक छंद अंतिम में आपके बीच रखता हूं। स्वागत है। कि चाचा एक के काम करो, कि चाचा एक के काम करो, बाबा से मिला दो इसे, मैं कह रहा हूं एक लड़के को उसके पिताजी से, कि चाचा एक के बात करो बाबा से मिला दो इसे, उनको देखेगा इंस्पायर हो जाएगा, कि सुनो सुनो वीर सुनो खूब तैयारी करो, कि सुनो सुनो वीर सुनो खूब तैयारी करो, नहीं तो ये एज एक्सपायर हो जाएगा, कि बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ भैया जी, कि बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ भैया जी, बिना बोले देखना सटायर हो जाएगा, कि बाबा 80 साल के भी, कि बाबा 80 साल के भी लड़े परधानी यहाँ, बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा, कि बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा।